हेलो गाइस, हम गवर्नमेंट आईटीआई जयपुर के छात्र हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट है घरेलू वायरिंग, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम किसी भी घर में घरेलू वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम किसी घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हम क्या बजाते हैं, बेल। तो ये हमारा है। ठीक है, उसके बाद जब हम घर में एंटर हो जाते हैं तो जैसे हॉल में या किसी रूम में जाते हैं तो हमको क्या उपकरण चाहिए होते हैं, जैसे ट्यूबलाइट, तो ये हमारी है ट्यूबलाइट। उसके बाद हमें फैन चाहिए होता है और उसके बाद हम एक बल्ब भी लगा सकते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि वायरिंग हमने की कैसे। सबसे पहले हमने ये लगा रखा है एनर्जी मीटर, इसके पास ये आइसोलेटर। आइसोलेटर का क्या काम होता है, जब भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता है तो ये ट्रिप हो जाती है, जिससे कोई हानि नहीं होती है और कोई भी उपकरण नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर ट्यूबे स्विच लगा रखा है, इसको काम क्या होता है, बल्ब लगाने के लिए हमने बंदे स्विच लगाया। उसके बाद ये हमारा है स्विच बोर्ड, ये हमारी पुश बेल बटन, बेल को जलाने के लिए हमें इसका उपयोग किया है। उसके बाद ये हमारा बल्ब है, ये पावर प्लग हो गया। अब ये हमारी ट्यूबलाइट, ये हमारा सीलिंग रोज, इसे सीलिंग रोज कहा जाता है। ये जो है ये कैसिंग कैपिंग वायरिंग है, जिसमें कैसिंग कैपिंग का उपयोग किया गया है। उसके बाद ये हमारा फैन है और फैन के पास हमारा सीलिंग रोज लगा रखा है। और ये हमने जो डायग्राम बनाया, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, जिसमें हमने ये बताया कि हमने इसकी वायरिंग कैसे की है।